नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवी शर्मा फैक्ट्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कई दिनों से सुर्खियों में है। इसके पीछे की वजह है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर। तो आज के वीडियो में जानेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़ा हुआ इतिहास, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर पर कितनी बार आक्रमण हुए और किस किसने ये आक्रमण करवाए, और कितने दिनों बाद यहाँ पर रिनोवेशन का काम हुआ है, इस पूरे रिनोवेशन में कितना खर्चा आया, ये भी आज के इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि काशी विश्वनाथ जी का मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ होता है जहाँ भगवान शिव ने खुद अवतार लिया हो। तो ऐसा लोगों का मानना है कि काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में भगवान शिव ने खुद अवतार लिया था, यानी कि खुद भगवान शिव का प्राकट्य वहां हुआ था। अब समझते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े इतिहास के बारे में। लेकिन इतिहास बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर क्या है, काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम में ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कैसे जुड़ा। तो बात है 2018 की, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के एरिया को चिन्हित किया और उसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का नाम दिया। आप ऊपर दी हुई इमेज में देख रहे होंगे येलो लाइन, येलो लाइन के अंदर का वो पूरा क्षेत्र है काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर गंगा के तट तक, पूरा एरिया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। और उसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का रिनोवेशन का काम चल रहा था जिसमें लगभग 800 करोड़ का खर्चा आया और उसका ही 13 दिसंबर को मोदी जी ने शिलान्यास किया। अब आते हैं मंदिर से जुड़े इतिहास पर। तो इस मंदिर पर लगभग 4 बार विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला किया है और चारों बार मंदिर को तोड़ा गया है, लेकिन आज भी हमारा मंदिर हमारे सामने सुरक्षित है, ये बड़े गर्व की बात है। तो सबसे पहली बार मंदिर पर आक्रमण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर को पूरी तरीके से ध्वस्त करवा दिया। फिर उसके ठीक 100 साल बाद एक गुजराती व्यापारी ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। आगे का समय निकलता गया, फिर 1747 ईस्वी में जौनपुर का सुल्तान था महमूद शाह, उसने मंदिर को फिर से ध्वस्त करा दिया। इसके बाद 1585 ईस्वी में राजा टोडरमल ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इसके बाद आगे मुगल सल्तनत का शहंशाह बनता है शाहजहां। शाहजहां 1642 ईस्वी में मंदिर पर फिर एक बार आक्रमण करवाता है, लेकिन इस बार हिंदुओं के विरोध के चलते शाहजहां मंदिर को तो नहीं तोड़वा पाता, लेकिन मंदिर के आसपास के लगभग 63 छोटे बड़े मंदिरों को तोड़वा देता है। शाहजहां के बाद मुगल सल्तनत की कमान औरंगजेब के हाथ में आती है। तो औरंगजेब 18 अप्रैल 1669 को एक बार फिर काशी विश्वनाथ मंदिर पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए आक्रमण करवाता है, और मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त कराने के बाद औरंगजेब वहां पर एक ज्ञानवापी नाम की मस्जिद बनवा देता है, जो कि आज भी असली काशी विश्वनाथ मंदिर की जगह पर स्थापित है। आप ऊपर दी हुई इमेज में देख रहे होंगे, एक साइड में ज्ञानवापी मस्जिद है और उसके बाजू में है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि औरंगजेब की मस्जिद बनवाने के ठीक 111 साल बाद सन 1780 में एक मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा बनवाया गया था। अहिल्याबाई होलकर जी ने मंदिर तो वहाँ काशी विश्वनाथ जी का बनवा दिया, लेकिन उसकी जो असली जगह थी वो आज भी ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे है। अब आप देखिए कि काशी विश्वनाथ प्रोजेक्ट के माध्यम से काशी के अंदर क्या क्या बदलाव देखने को मिले हैं। गंगा घाट से लेकर मंदिर तक एक भव्य दिव्य कॉरिडोर के रूप में निखर कर आया है। इस कॉरिडोर में पूरे घाटों का पुनर्निर्माण कराया गया है। उसके साथ ही मंदिर परिसर में लाइब्रेरी, विज्ञानशाला और दुकानों के साथ साथ ऑफिसेज भी हैं। अब एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट की बात इस कॉरिडोर के माध्यम से साफ निकल कर आ रही है। आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि कितना सुंदर और भव्य दिव्य मंदिर इस बार विश्वनाथ जी का बनाया गया है। ये पूरा कॉरिडोर इतना बड़ा है कि इसमें 2 लाख से ज़्यादा भक्त एक साथ आकर पूजा कर सकते हैं। आपको ये 3D वीडियो और हमारा पूरा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय महाकाल।